डर सबको लगता है, गला शीतल पेय अर्थात कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन नहीं है। ये हाले बयां है माफिया डॉन अतीक अहमद के ताजा हालात का। 16 दिनों के भीतर अतीक अहमद को एक बार फिर साबरमती जेल से सड़क मार्ग से प्रयागराज लाया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस अपने साथ उन्हीं गाड़ियों और अफसरों को लेकर पहुंची है जिन्होंने 16 दिन पहले माफिया को साबरमती से नैनी जेल पहुंचाया था। जेल से बाहर आते ही कभी खौफ का दूसरा नाम रहे अतीक की हवाइयां उड़ी हुई हैं। उसे एनकाउंटर का डर सताने लगा है। जेल से बाहर आते ही अतीक ने कहा, ये मुझे मारना चाहते हैं। अतीक ने कहा कि कोर्ट के कंधे पर रखकर मुझे मारना चाहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ। बता दें कि पिछली बार उमेश पाल अपहरण कांड में पेशी के लिए अतीक को प्रयागराज लाया गया था, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब उमेश पाल मर्डर केस में भी अतीक पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस इस बार अतीक के लिए वारंट बी लेकर प्रयागराज से साबरमती जेल पहुंची है। वारंट बी यानी ट्रांसफर वारंट, किसी भी जेल में बंद व्यक्ति को जब आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश करना हो तो आरोपी वारंट बी यानी ट्रांसफर वारंट के जरिए लाया जाता है। अतीक अहमद को उमेश पाल मर्डर केस में कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद पुलिस उसकी रिमांड मांगेगी। बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में अब तक यूपी पुलिस 2 एनकाउंटर कर चुकी है। अतीक के बेटे असद और उसके कई गुर्गों की तलाश में लगातार छापेमारी चल रही है। ऐसे में माफिया अतीक को खुद के एनकाउंटर का डर सता रहा है। कभी अपराध हत्या जिसके लिए ब्रेड एंड बटर था, मजाक था, उस अतीक की हालत अब इस कदर पतली हो गई है कि माफिया प्रयागराज आने के नाम पर कांपने लगता है। कभी इसी प्रयागराज में अतीक के नाम से लोग कांपा करते थे। सही कहा है कहने वालों ने, अपने कर्मों का हिसाब इसी दुनिया में देकर जाना होता है। अतीक अहमद के कर्मों का हिसाब